तो फिर उसके परिवार का क्या होगा। इसी भाव के साथ उस चोर की कहानी को लेके छोटा सा भजन है, आइए सुनते हैं। भला बुरा ना देखे वो ना, भला बुरा ना देखे वो ना, देखे घोड़ा काला, सबकी आशा पूरी करते शिव शंकर मतवाला। भला बुरा ना देखे वो ना, ए घोड़ा काला, भला बुरा ना देखे वो ना, देखे घोड़ा काला, सबकी गाय पूरी करते शिव शंकर मतवाला। तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि ऐसा किया जाए कि आज शंकर भगवान के मंदिर में ही घुस के कुछ चोरी किया जाए, ताकि अपने परिवार को मैं आज का उपाय लगा सकूं। इस सोच के साथ वो नाटा कद का चोर मंदिर के अंदर जाता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो शंकर भगवान के मंदिर में पत्थर की मूर्ति, मुरझाए हुए फूल बेलपत्र के अलावे उसको कुछ दिखता नहीं है। फिर मायूस हो जाता है। मायूस अवस्था में ऐसे सर खुजलाते हुए जब वो ऊपर नजर डालता है तो उसका दिमाग चौंकता है। उसे लगता है वो ऊपर ये लटक रही घंटी ये एक ऐसा चीज है जिसको चुरा लिया जाए तो फिर कुछ ना कुछ इससे उपार्जन हो सकता है। हाथ ऊपर उठाता है, बढ़ाता है, लेकिन वो नाटक कद का चोर जिस कारण से उसका हाथ उस घंटी तक भी पहुंच नहीं पाता है। फिर देखिए आगे क्या होता है, क्या वो चोर घंटी खोल पाता है, और ऐसा अगर हो जाएगा, घंटी अगर चुरा भी लिया, तो क्या तीनों लोक के दानी के घर में चोरी भगवान शंकर बर्दाश्त कर पाएंगे? देखिए आगे क्या होता है। एक चोर जब घर से निकला, दिखा उसे शिवाला, शिवजी के ऊपर लटका था घंटी एक निराला। एक चोर जब घर से निकला, दिखा उसे शिवाला, शिवजी के ऊपर लटका था घंटी एक निराला। सोच रहा था इतना ऊंचा घंटी कैसे पाऊं, साधन कोई नहीं है आखिर कैसे इसे चुराऊं। और मन ही मन सोच रहे थे, वो चोर के दिमाग में बात आ रही थी कि क्या मुझको भूखा रखेगा। बोली शंकर भगवान की जय। कि क्या मुझको भूखा रखेगा सबको देने वाला, क्या मुझको भूखा रखेगा सबको देने वाला, सबकी आशा पूरी करते शिव शंकर मतवाला, सबकी आशा पूरी करते शिव शंकर मतवाला। भला बुरा ना देखे वो ना, देखे घोड़ा काला, भला बुरा ना देखे वो ना, देखे घोड़ा काला, करने के बाद जब हाथ चोर का ऊपर तक नहीं पहुंचा, कहा जाता है कि भोलेनाथ सभी देवताओं में सबसे भोले, समय समय पे लोग उनके साथ छल करते रहे, उन्हीं का भक्त भस्मासुर जैसे बहुत सारे ऐसे कहानी है। ये चोर को भी देखिए किस हिसाब से भोलेनाथ जी के भोलेपन का लाभ उठा रहा है। जब चोर का हाथ घंटी तक नहीं पहुंचा तो भगवान शिवलिंग के सामने, भगवान के शिवलिंग के सामने घुटना टेक के बैठ जाता है और ऐसा अर्जी लगाता है तो चोर लेकिन भोलेनाथ जी के भोलेपन को समझते हुए क्या कहता है भोलेनाथ जी से। भगवान के प्रतिमा के आगे प्रेम से शीश झुकाया, भक्ति भाव में कैलाश्वर को ऐसा वचन सुनाया। कहा बाबा क्या तेरे दरबार में भी आकर खाली जाऊंगा। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने सुना है कि जो ही आपके दरबार में जिस इच्छा के साथ आता है
उसकी इच्छा पूरी करते हो। तो आज तक तो कोई खाली गया नहीं है, तो मेरा क्या होगा? क्या तेरे दरबार में भी आकर खाली जाऊंगा, जैसे भी संभव होगा मैं ये घंटी पाऊंगा, जैसे भी संभव होगा मैं ये घंटी पाऊंगा। और एक रास्ता निकाला दिमाग से, आखिर उसने बड़े जतन से रास्ता एक निकाला, आखिर उसने बड़े जतन से रास्ता एक निकाला। आशा पूरी करते क्या रास्ता निकाला चोर? हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, लाखों कोशिश करने के बाद तो चोर ने नादानी किया और धर्मी का काम किया, भगवान शिव जी के शिवलिंग पे खड़ा हुआ। शिवलिंग पे यूं ही खड़ा हुआ, उसका हाथ घंटी तक पहुंच गया, घंटी खोलना तो शुरू कर दिया, लेकिन वहां कैलाश पर्वत मिल गया। आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि मृत्यु लोक पे कोई भी ऐसा भक्त, कोई भी ऐसा इंसान शिवलिंग पे खड़ा होने का जरूरत करे, चाहे वो कितना भी पापी या धर्मी हो। मैया पार्वती का ध्यान नीचे गया, अचंभित रह गई, आश्चर्यचकित रह गई, क्रोधित हो गई। भोलेनाथ जी तो तपस्या में मगन थे, पार्वती जी ने भोलेनाथ जी को तपस्या से जगाई। ए भोलेनाथ, नीचे देखिए कि क्या क्या हो रहा है आजकल मृतलोक में। भोलेनाथ जी नीचे दृष्टि डाले और मुस्कुरा दिए। भोलेनाथ जी जब मुस्कुरा दिए, पार्वती जी को और चीड़ हो गई कि ये पापी अधर्मी आपके मस्तक पे खड़ा हो गया और आप हंस रहे हैं। भोलेनाथ जी ने कहा कि पार्वती ऐसी बात नहीं है। पार्वती ने कहा तो फिर कैसी बात है? आगे देखिए भोलेनाथ जी के मुस्कुराने का राज क्या था, क्या कहते हैं भोलेनाथ। बोले शंकर भगवान की जय। चोर क्या किया? क्षमा मांग कर शिव मस्तक पर खड़ा हुआ अज्ञानी, क्षमा मांग कर शिव मस्तक पर खड़ा हुआ अज्ञानी, शिव भोले ने सोचा मेरा परम भक्त ये प्राणी। पार्वती ने कहा परम भक्त वो कैसे? भोलेनाथ जी कहते हैं फूल और गंगा जल तो हर भक्त चढ़ा जाता है। ये सुनो पार्वती, के फूल और गंगा जल तो हर भक्त चढ़ा जाता है, पर खुद को मुझ पर अर्पित करने कोई नहीं आता है। बोली शंकर भगवान की जय। ये ऐसा भक्त जो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसको तो दर्शन देना चाहिए। और भोलेनाथ जी वहां से उस चोर के सामने प्रकट हो जाते हैं। नीलकंठ प्रगटे धारण कर जटा जूट में बिठाला, नीलकंठ प्रगटे धारण कर जटा जूट में बिठाला, सबकी आशा कल्पना करिए उस चोर की स्थिति क्या रही होगी। शिवलिंग पे खड़ा है, घंटी खोल रहा है, सामने भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। चोर का हालत खराब, जब ऐसे सामान्य अवस्था में चोरी करके चोर अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है। ये तो फिर भी तीनों लोग के जो रखवाले हैं, जो पालन हारे हैं, वो सामने साक्षात खड़े हो गए, उनके घर में चोरी हो रहा था, रंगे हाथों पकड़ा। आगे क्या होता है? देख के भोले बाबा को चोर बहुत घबराया, क्या बोले क्या ना बोले बेचारा समझ न पाया, क्या बोले क्या ना बोले बेचारा समझ न पाया। बाबा को लगा कि मेरा दर्शन पाके मेरा भक्त इस हिसाब से स्तब्ध है। बाबा ने कहा
बाबा बोले मुझे देख कर क्यों तू घबराता है, मुझसे मेरा भक्त सदा मन चाहा फल पाता है। शोर भोलेनाथ जी के चरणों में गिर गया, अपनी पूरी कहानी बताया। भोलेनाथ जी तो भोले थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद तुमको चोरी करने की जरूरत नहीं है, ये मंदिर ये शिवालय तुम्हारा है, तुम यहीं रहो और मेरे आशीर्वाद से तुमको कभी भी जीवन जीने में दिक्कत नहीं होगा। आज तुझे अर्पित करता हूँ शिव के साथ शिवाला, आज तुझे अर्पित